मैंने कितना दी से कहा कि दी अपना हाथ दो, लेकिन नहीं। दी ने कहा कि पहले तू मेरे बच्चे को बचा। दी, मेरे बच्चे को बचा। अपना हाथ दो दी, अपना हाथ दो। नहीं दी, रुद्र को पकड़, जल्दी कर दी, जल्दी कर। इसलिए पहले मैंने तुझे बचाया, उसके बाद मैंने दी को बचाया। दी बेहोश होने से पहले सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सृष्टि, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों और करण का ध्यान। वही दिन था, उस दिन के बाद दी को इतना गहरा सदमा लगा है कि उनकी याददाश्त चली गई। पता नहीं कौन सा ग्रहण था उस दिन जिसने मेरी दी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा, दी को याद नहीं है कि तू उनका बेटा है, लेकिन दिल से दिल का रिश्ता तो कभी नहीं मिटता। मैं ये जानती हूँ कि उनका दिल जानता है कि तू उनका बेटा। कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला? उन्हें दर्द दिया, उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कौन थे वो लोग? लूथरा परिवार। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, जब जीजू कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने एक बार भी तुझे और दी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। करण जीजू, तेरे पिता, तेरे डैड, तुझे पता है वो कौन है? मैं बताती हूँ। द फेमस क्रिकेटर जो अभी एक फेमस टाइकून बन गए हैं, तेरे पिता, तेरे डैड, मेरे करण जीजू, करण लूथरा। तू करण लूथरा का बेटा है। करण लूथरा जो जू में रहते, तुझे कैसे पता कि वो? आपको पता है ना, मैं बिजनेस स्टडी कर रहा हूं। मैंने करण लूथरा की सारी स्ट्रैटेजीज, उनके आक्यूमेन पढ़ी है, उनके बिजनेस आइडियाज, सब कुछ पता है मुझे उनके बारे में। वो इंडिया के स्टार्टअप वेंचर्स के जज रह चुके हैं। उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ पा लिया था, बिजनेस की हर वो बुलंदियों को छू लिया था उन्होंने। मैं जिस बिजनेस टाइकून, जिस बिजनेस मास्टरमाइंड गुरु को फॉलो करता आ रहा हूँ, जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पापा है। मैं तो उन्हें भगवान समझता था, लेकिन वो तो सबसे बड़े पापी निकले। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।